गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 46 फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 46 फिल करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 46 फिल करना है। चलिए तो देखते हैं जो पेज नंबर 46 पर जो सेंटेंस दिया है वो क्या है। साइना नेहवाल इज Associated with badminton, मतलब क्या है? साइना नेहवाल badminton से associated है, मतलब साइना नेहवाल badminton से जुड़ी हुई है। समझ में आया? क्यों जुड़ी हुई है बताइए? क्योंकि वह badminton खेलती हैं। साइना नेहवाल क्या खेलती हैं? badminton खेलती हैं, इसीलिए वे badminton से जुड़ी हुई हैं। तो सेंटेंस क्या है फिर से बोलिए। साइना नेहवाल इज Associated with badminton। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे जैसे मैं लेटर बना रही हूं वैसे ही बनाएंगे। SAINA साइना, देख सकते हो आप कैसे बनाया है। फिर नेहवाल NEHWAL, देख रहे हो ना आप मैंने एल कैसे बनाया है, आपको भी इसी तरीके का एल बनाना है। और बच्चों ये भी याद रखिएगा कि जो लेटर तीन लाइन में बनते हैं वो आपको तीन लाइन में बनाने हैं, और जो दो में बनते हैं वो दो में बनाने हैं। जैसे कि W कितनी लाइन में बनता है? टू लाइन्स में बनता है। ओके, फिर उसके बाद इज, तो क्या हो गया? साइना नेहवाल इज अब एसोसिएटेड, चलो बोलो स्पेलिंग, ASSOCIATED एसोसिएटेड। क्या हो गया बच्चों? साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड, मतलब साइना नेहवाल जुड़ी हुई हैं किससे? विद बैडमिंटन। चलिए लिखते हैं, तो WITH, देखिए हमने टी कैसी बनाई है, आपको भी ऐसे ही बनानी है, ठीक है, विद बैडमिंटन। अब देखिए बी कैसे बनाएंगे आप, BADBADM फिर INTON, ठीक है, बैडमिंटन। तो क्या हो गया? साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, मतलब क्या हुआ? साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हैं। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, तो क्या है? साइना SAINA साइना नेहवाल NEHWAL साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड TED एसोसिएटेड विद, देखिए जितना आराम से मैं लिख रही हूं आप भी वैसे ही साफ साफ राइटिंग में लिखिएगा। ओके, विद फिर बैडमिंटन, BADMINTON, ठीक है, बैडमिंटन। क्या हो गया? साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। चलिए एक बार और लिखते हैं, तो देखिए SAINA साइना फिर नेहवाल NEHWAL साइना नेहवाल इज
एसोसिएटेड ए डबल एस ओ सी आई ए टी ई डी। क्या हुआ बच्चों? साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, तो विद बैडमिंटन बी ए डी एम आई एन टी ओ एन। इसी तरीके से आप भी आराम आराम से घुमा घुमा कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आपको बताइए क्या लगाते हैं हम, फुल स्टॉप। चलिए एक बार और लिखते हैं, तो एस ए आई एन ए साइना। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा एस होता है उसके अंदर से हम नहीं मिलाते लेटर को, अलग से लिखते हैं, ठीक है। एस हमारा अलग बनेगा, उसके बाद एस से नहीं मिलाओगे आप, ठीक है। ऐसे ही नेहवाल में भी एन बना के फिर यहां से मिला के लिखना है हमको, ठीक है। आप एन के अंदर से नहीं ले सकते हो, डब्ल्यू ए एल। तो साइना नेहवाल एस आई एस ए आई एन ए एन ई एच डब्ल्यू ए एल, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड ए डबल एस ओ सी आई ए टी ई डी, एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, विद बैडमिंटन बी ए डी एम आई एन टी ओ एन, बैडमिंटन, ठीक है। क्या हो गया? साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। तो बच्चों आपको ये वाली लाइन समझ आ गई? चलिए एक बार और लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप भी साफ साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड ए डबल एस ओ सी आई ए टी ई डी, ठीक है, विद बैडमिंटन बी ए डी एम आई एन टी ओ एन, ठीक है। तो आपने लिख लिया, तो बच्चों आप ये बताइए आपको ये वाला सेंटेंस समझ आ गया? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में कर्सिव राइटिंग में पेज नंबर 26 फिल करना है, ओके। चलिए गुड बाय।